सवा सौ अंक में कैसे लिखें? सवा सौ, डेढ़ सौ, ढाई सौ, साढ़े तीन सौ, पौने चार सौ। तो देखिए फ्रेंड्स, दैनिक हिसाब किताब में ये जो शब्द है, ये शब्द अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं और इसको हमें ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, वरना हिसाब किताब में गड़बड़ हो सकती है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से और अंकों में, दोनों माध्यमों से हम समझेंगे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सवा सौ की। सवा सौ, तो देखिए यहाँ पर जो यूनिट है वो सौ है। क्या है? सौ है। और इसका मतलब होता है क्या? एक भाग और दो भाग। अब इसका हम चौथाई भाग ज्यादा करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि किसी भी एक भाग में अगर उसका चौथाई हिस्सा अगर मिला दिया जाता है, मतलब कि केवल इतने की बात मैं कर रहा हूं, यानी ये पूरा और ये डैश वाला नहीं, इसको नहीं, इतना में जब हम ये चौथाई हिस्सा मिलाते हैं तो ये सवा सौ का है, मतलब सवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चौथाई हिस्सा मिलाने पर, इसमें मिलाने पर ये सवा कहा जाएगा। अब यहाँ सौ है तो हम इसको सौ ले सकते हैं। अगर यहाँ हजार है तो हम यहाँ हजार, ये पूरा भाग हम हजार का लेंगे। अगर लाख है तो हम ये पूरा भाग लाख का लेंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि सवा सौ की बात की गई है, तो सौ क्या होता है? सौ होता है अंकों में इस तरह से। अब इसी में इसी का चौथाई भाग करना पड़ेगा, तो सौ का चौथाई भाग कितना होता है? 25 रुपए। तो यहां पर अगर आप इसको अंकों में लिखना चाहते हैं सवा सौ को, तो यहां पर ये हो जाएंगे 125 रुपए। अब अगर हम बात करें सवा एक हजार की, तो अब देखिए ये यूनिट सौ नहीं, ये अब अगर हम हजार लेंगे तो यूनिट हमारा हजार हो चुका है। इसके लिए ये पूरे भाग को हमें 1000 मानना पड़ेगा। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां देखिए ऊपर वाले में एक जीरो बढ़ गया है, तो इसी तरह से इसके चौथाई भाग में भी एक जीरो बढ़ जाएगा। और जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो 1000 में 250 मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे 1250, जिसको कि कहा जाएगा सवा 1000। अगर हम बात करें सवा 1 लाख की, तो यहाँ पर ये पूरे भाग को हमें 1 लाख मानना पड़ेगा, और 1 लाख में होते हैं 5 जीरो। अब इसका जब हम 4 भाग करेंगे तो एक भाग में होगा कितना? 25,000 रुपये। अब इन दोनों को जैसे ही हम मिला देंगे तो सवा 1 लाख का मतलब क्या हुआ? 1,25,000 रुपए। ऐसे ही यहां चाहे करोड़ होगा तो करोड़ लिखेंगे, अरब होगा तो अरब लिखेंगे। ये पूरा भाग जो होता है वो यूनिट होता है। अब जैसा हमें कहा रहेगा वैसा हम इसको समझेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 150 में। कहां बढ़ते हैं? ये हो गया सवा सौ, अब हम लोग बढ़ रहे हैं 150। अब 150 क्या होता है? तो देखिए एक पूरा पूरा भाग और दूसरा जो भाग होगा उसका सिर्फ और सिर्फ आधा भाग, ठीक है? कितना? सिर्फ और सिर्फ आधा भाग अगर हम लेंगे तो इसको दोनों को मिलाकर यहां पर होगा 150। तो आप सोचिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हमारा यूनिट जो है सौ है, मतलब कि एक पूरा भाग क्या है? सौ है। जब पूरा भाग सौ है तो अब आधा भाग कितना होगा? 50 होगा। और इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 150 रुपए। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए यूनिट हम लोग चेंज कर लेते हैं, सौ की जगह यहां पर हम ले रहे हैं हजार, तो जब हम यहां पर हजार ले रहे हैं तो एक भाग जो हम पूरा मानेंगे वो पूरा हजार का मानेंगे,
इसका आधा हो जाएगा 500। और यहां पर अगर हम 1500 को अंकों में लिखेंगे तो यहां पर इसका एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर की तरह। अब यहां पर अगर हम 1.5 लाख की बात करें, 1.5 लाख किसे कहेंगे, तो अब देखिए यहां पर जो पीछे वाला होता है वो यूनिट होता है, ये पूरा भाग जो हमारा है वो यहां पर 1 लाख है। अब इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा कितना, इसी का आधा, तो 1 लाख का आधा क्या होता है, 50,000। तो इस तरह से अगर हम 1.5 लाख की बात करेंगे तो 1,50,000 को बोला जाएगा 1.5 लाख। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब है 250, तो देखिए यहाँ पर अब हम 250 पे बढ़ रहे हैं, तो 250 क्या होता है और 250 का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए 250 का मतलब होता है 2 पूरा पूरा भाग और 1 आधा भाग। जब ऐसा होता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 250 की, तो यहाँ पर यूनिट 100 है, इसका मतलब एक भाग जो हम मानेंगे वो 100 मानेंगे। तो अब देखिए यहाँ 2 भाग और इसका आधा कितना होगा, 50। ये 2 भाग और आधा भाग मिला के होता है 250। तो 100 250, मतलब कि 250 रुपए को बोला जाएगा 250। अब दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर ले रहे हैं 1000, क्या ले रहे हैं, तो जो हमारा यूनिट है अब 100 की बजाय 1000 हो चुका है। तो एक भाग होगा 1000, पूरा पूरा एक भाग होगा 1000, और इसका हाफ करने पर यहाँ पर ये 500 होगा। अब अगर हम इसको अंकों में लिखें तो देखिए 1000 और 1000, 2500, मतलब कि ये 250 में ही एक जीरो बढ़ गया है, यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। अगर हम इसी को 250,000 की बात करें तो 250,000 क्या होगा, अब देखिए ये जो पूरा एक भाग हम मान रहे थे, यहाँ पीछे लाख आ गया है, तो इसको हमें एक पूरा भाग ही लाख मानना पड़ेगा। तो दूसरा भाग हो गया ये 2 लाख, और यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो 50,000। इस तरह से हम सबको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये 2,50,000 को ही क्या कहा जाएगा, 2,50,000 रुपए। अब यहाँ पर देखिए 250 तक हो चुका है, अब बात आती है 350 की और 450 की। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 350, ठीक है। तो अब 350 में क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 3, देखिए 350 लगा जहाँ होता है, तो उसके बाद जो अंक होता है वो तो पूरा पूरा लिया जाता है, लेकिन इसके बाद यहाँ 350 लगा होता है तो पूरा उसके बाद वाला पूरा भाग लेकर एक यूनिट का आधा भाग इसमें और जोड़ा जाता है। एक यूनिट का इसमें आधा भाग हम और मिला देंगे, ये हो जाएगा 350। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 100 ले रहे हैं, तो यहाँ पर चलिए हम 100 ले रहे हैं, तो ये 100 पूरे भाग में आएगा लेकिन आधे में आएगा 50। यहाँ पर ये तीनों मिला देंगे तो हो जाएंगे 300, और ये 50 मिलाकर हो जाएंगे 350 रुपए, जो कि हम लोग कहेंगे 350 रुपए। अगर हम यहाँ पर 350,000 की बात करें, मतलब आगे का तो भाग वही है, बस यहाँ हम यूनिट 1000 का ले रहे हैं, तो ये जो पूरे भाग को हम 100 मान रहे हैं, अब हम यहाँ 1000 मानेंगे, तो यहाँ पर ये 3 भाग 3000 हो जाएंगे, और इसका आधा करेंगे तो यहाँ 500, मतलब इसी में एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3500 रुपए। अगर हम यहाँ पर 350,000 की बात करेंगे, 350,000, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 1000 था तो हमने 1000 लिया दूसरी बार में, तीसरी बार में लाख है, तो ये पूरा भाग जो है वो हम लाख का मानेंगे, मतलब ये पूरा पूरा 1 लाख होगा,
ये भी पूरा पूरा 1 लाख होगा, ये भी पूरा पूरा 1 लाख होगा। तो इस तरह से 3 भाग हो गए 3 लाख, लेकिन साढ़े लगा हुआ है तो इसी का आधा भाग हमें यहाँ पर और ऐड करना होगा। इस तरह से ये हो जाएंगे 3,50,000 रुपए को ही बोला जाएगा 3.5 लाख। अब लास्ट में बचा है क्या, 450, इसको समझना जरूरी है 450। तो ये 450 क्या होता है इसको समझिएगा, और इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें 450 में समस्या होती है। तो अब देखिए 450 है तो आपको क्या काम करना है, इसको समझना है कि देखिए 4 भाग है ना, 4 भाग है तो इसमें से 3 तो पूरा पूरा लिया जाता है, 3 क्या लिया जाता है, ये 3 भाग तो हम पूरा पूरा लेंगे, लेकिन जो चौथा भाग रहेगा उसका 1/3 भाग ही लेंगे, 25% छोड़ देंगे। जैसे 4 भाग है तो 25% छोड़ देंगे, 3 भाग को हम लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका 4 भाग कर ले रहे हैं। अब इस 4 भाग में से हमको ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग लेना है और ये 4th भाग हमें लेना नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम 1/3 हिस्सा लेते हैं और 4th वाला पार्ट छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर यूनिट 100 है तो ये पूरा पूरा जो हम लेंगे ये 100 का लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब 100 को 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 1 भाग में 25 आएंगे, 25 25 50 75 और ये 100। अब 100 में से अगर हम 25 रुपये निकाल लेंगे तो 3 भाग में कितने बचेंगे, 3 भाग में बचेंगे 75। तो यहाँ पर हम ये देखिए 25 25 25 मतलब कि 75, यहाँ पर 75 बचेंगे। तो सबको मिलाकर अगर अंकों में लिखे 450 को तो 100 200 375 375 रुपये होंगे 450। यहाँ पर अगर हम 450,000 की बात करें तो 450,000 के लिए इसका पूरा पूरा भाग हमें 1,000 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे इसमें 1 0 बढ़ गए तो यहाँ पर भी 1 0 बढ़ा देंगे, 250 आएंगे। और यहाँ पर अगर हम इसको अंकों में लिखना चाहें 450,000 को तो ये हो जाएगा 3,750 रुपये, इसी में पीछे 1 0 बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें लाख की, 4.25 लाख, तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि यहाँ पर 1 1 भाग तो हमारे ये लाख में है, यहाँ पर पूरा पूरा ये 25,000 हो जाएगा। और जब 3 भाग लेंगे देखिए 25 25 25,000 25,000 टोटल 1 लाख हो गए। अब हम 1 25,000 निकाल दे रहे हैं तो ये 25 3 75,000 यहाँ पर 1/3 हिस्सा हमको लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारा बनेगा 4.25 लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 75,000 को कहा जाएगा 4.25 लाख, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर हिसाब किताब में कहीं और आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।